हेलो चिल्ड्रन होप यू ऑल आर डूइंग फाइन कंटिन्यूंग विद रिवीजन नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर फाइव दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो द इक्वेटोरियल रीजन तो इस पोर्शन में आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स समझाऊंगी एज वेल एज एक्सरसाइजेस सो लेट स्टार्ट स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 वेर इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेटेड कहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेटेड है आंसर है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कॉन्गो इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका तो डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेटेड है सेंट्रल अफ्रीका में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू वाई इज रिवर कॉन्गो सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तो जो रिवर कॉन्गो है वो क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए आंसर द कांगो बेसिन कवर्स द इंटायर कंट्री तो जो कॉन्गो रिवर है वो कवर करती है पूरे कंट्री को एंड इज द एंड इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए यानी कि फाइनेंस के लिए आ, कंट्री के फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवर कॉन्गो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट टाइप ऑफ वेजिटेशन डज कॉन्गो हैव तो किस तरीके की वेजिटेशन कॉन्गो में होती है आंसर ड्यू टू हॉट एंड वेट क्लाइमेट देर इज़ अ थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लाट्स तो कॉन्गो में कॉन्गो में हॉट एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वहाँ पे एक थिक ग्रोथ होती है ट्रीज और प्लांट्स की देन दीज फॉरेस्ट टॉल ट्रीज विच फॉर्म अट ऑफ कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये काफ़ी इन फॉरेस्ट में टॉल ट्रीज होती हैं जो एक तरीके का सनशेड फॉर्म करती है लीव्स की एट द टॉप कैनोबी का मतलब होता है सनशेड टू दीज फॉर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट दर इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये ग्रीन रहते हैं पूरे साल भर देन दर्द एंड साउथ वेस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री हैव ग्रास लैंड तो जो सदर्न और साउथ वेस्टर्न एरियाज़ है कंट्री की वहाँ पे ग्रास लैंड्स होती हैं देन मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट द कांगो रेन फॉरेस्ट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड तो जो कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है वो सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में क्वेश्चन नंबर फोर डिस्क्राइब पिगमीन्स एंड देयर वे ऑफ लिविंग तो हमें डिस्क्राइब करनी है पिगमीन्स के बारे में और उनके लिविंग uh, के बारे में वो किस तरीके से रहते थे आंसर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री आर पिगमीज तो पिगमीज कौन है जो वहाँ के एक्चुअली वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें कहा जाता है पिगमीज दे लिव इन डेंस फॉरेस्ट एंड आर शॉर्ट इन हाइट तो वो घने जंगलों में रहते हैं और शॉर्ट इन हाइट होते हैं देन दे लीड अ नोमैटिक लाइफ बाय हंटिंग गैदरिंग ऑफ फूड तो वो एक नोमैडिक लाइफ यानी कि उनकी एक रहने की एक स्थिर जगह नहीं है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और मूव करने के साथ साथ वो हंटिंग करते हैं और अपने खाने की इकट्ठा करते हैं और खाने की व्यवस्था करते हैं देन दे रियली कुक फूड एंड यूज साइन लैंग्वेज वो बहुत कम ही खाना बनाते हैं और साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं देन म्यूज़िक ड्रम म्यूज़िक आर सोर्सेस ऑफ इंटरटेनमेंट तो म्यूजिक और ड्रम म्यूजिक उनके जो सोर्सेज होते हैं इंटरटेनमेंट के लिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेम थ्री इंडस्ट्रीज ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कॉन्गो तो हमें थ्री इंडस्ट्रीज ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्बलिक ऑफ कॉन्गो के बारे में बतानी है आंसर एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और शू इंडस्ट्रीज़ ये तीन इंडस्ट्रीज़ हैं कहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देन डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कॉन्गो तो वाइल्ड लाइफ ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कॉन्गो के बारे में बतानी है आंसर द रेन फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो हैव ग्रेट बायोडाइवर्सिटी तो जो रेन फॉरेस्ट है कांगो की वहाँ पर ग्रेट बायोडाइवर्सिटी होती है बायोडाइवर्सिटी का यानी कि काफ़ी वराइटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं देन देर आर मैनी रेयर स्पीशीज सच एज़ गोरेला ओकोपी एंड वाइट राइनो एक्सेट्रा तो जो बहुत ही कम पाए जाने वाले जो स्पीशीज हैं जैसे कि गोरेला ओकोपी एंड वाइट राइनो एक्सेट्रा ये भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है देन ओकोपी इज द नेशनल एनिम नेशनल एनिमल ऑफ कॉन्गो तो ओकोपी क्या है नेशनल एनिमल ऑफ कॉन्गो नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ चैप्टर फाइव स्टार्टिंग विथ नेम द फॉलोइंग फर्स्ट वन कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कैपिटल क्या है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की किन्हासा वन नेबरिंग कंट्री इन द साउथ एक नेबरिंग कंट्री जो की साउथ में है वो बतानी है दट इज अंगोला माउंटेन पीक बतानी है द आंसर इज मारग्रेटा अ रिवर इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो

रिवीजन uh, करी थी दैट इज जो uh, क्या बो, बोला जाता है उनको जो कंट्री uh, के uh, रहने वाले लोग होते हैं बाकी में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है पिगमीज सिंस डैश पासिस थ्रू कॉन्गो द कंट्री लाइज इन बोथ द नदर्न हेमेस्फेयर एंड द सदर्न हेमस्फेयर तो इक्वेटर पास करता है थ्रू कॉन्गो तो इसीलिए कंट्री लाई करती है बोथ नदन एंड सदन हेमेस्फेयर भी और कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या है दैट इज हासा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज अ डैश पॉपुलेटेड कंट्री स्पार्सली यानी कि बहुत कम पॉपुलेटेड है कंट्री अब हम रिवाइज करेंगे चैप्टर सिक्स ग्रीन लैंड द आई लैंड इन द आर्टिक जोन तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से वेयर इज ग्रीन लैंड लोकेटेड ग्रीन लैंड कहाँ पर लोकेटेड है ग्रीन लैंड विच इज़ इन द आर्टिक रीजन लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका तो ग्रीन लैंड जो कि आर्टिक रीजन में है वो लाई करती है टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ ग्रीन लैंड हमें डिस्क्राइब करनी है क्लाइमेट ऑफ ग्रीन लैंड की आंसर ग्रीन लैंड लाइज इन द फिजिट जोन इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर तो ग्रीन लैंड लाई करती है फिजिट जोन में और बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है थ्रू आउट द ईयर यानी कि पूरे साल समर्ज आर शॉर्ट एंड कूल एज वेल एज ब्राइट एंड सनी तो समर्स शॉर्ट होते हैं कूल cool होते हैं और साथ के साथ ब्राइट और सनी भी होते हैं द एवरेज समर टेम्परेचर इज़ माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस तो जो एवरेज समर टेम्परेचर होती है वो माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस होती है द विंटर्स आर सिवियरली कोल्ड तो विंटर्स काफ़ी ज़्यादा ठंड वाले होते हैं देर इज़ नो सन और सन लाइट फॉर मैनी मान्स तो ऐसा भी होता है कि कई महीनों तक ना ही सन या फिर सन लाइट होती हैं ग्रीन लैंड में द एवरेज टेम्परेचर इन विंटर इज़ माइनस ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस जो एवरेज टेम्परेचर होती है विंटर में।, में ग्रीन लैंड की वो होती है माइनस ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट इज एन ईग्लू हाउ इज़ इट मेड इग्लू क्या होती है उसे कैसे बनाया जाता है द इ्यूथ लिविंग इन द एक्सट्रीम नॉर्थ लिव इन स्नो हाउसेज नोन एज इग्लूज तो जो इन होते हैं जो रहते हैं एक्सट्रीम नॉर्थ में वो रहते हैं स्नो हाउसेस में जिन्हें बोला जाता है इग्लूज इग्लूज आर बिल्ड विद स्लैब ऑफ आइस एंड आर डोम शेप्ड विद अ सिंगल ओपनिंग फॉर स्मोक एंड हॉट एयर टू पास तो इग्लूज बेसिकली अप होते हैं विद स्लैब ऑफ आइस से और एक डोम शेप के होते हैं यानी कि स्फेरिकल शेप के होते हैं जहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग होती है जहाँ से स्मोक एंड हॉट एयर पास होती है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट द एनिमल्स फाउंड इन ग्रीन लैंड हाउ आर देयर एनिमल्स यूजफुल टू देम तो हमें बतानी है क्या एनिमल्स पाए जाते हैं ग्रीन लैंड में और वो किस तरीके से यूजफुल होते हैं वहाँ के लोगों के लिए आंसर

तो इन क्या करते हैं वो बर्न करते हैं जो फैट्स होती हैं सील्स या फिर व्हील्स की एक फ्यूल के तौर पे दे यूज स्किन ऑफ द एनिमल्स एज़ क्लोदिंग फॉर मेकिंग टेंट्स और फॉर कवरिंग द फ्लोर्स ऑफ देयर हाउसेस तो वो ग्रीन uh, लैंड के लोग क्या करते हैं कि जो स्किन ऑफ द एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए टेंट्स बनाने के लिए या फिर अपने घरों के फ्लोर्स को कवर करने के लिए हस्कीज़ आर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड आर मेनली यूज्ड इन हंटिंग एंड पुलिंग स्लैच तो हस्कीस का इस्तेमाल एक डोमेस्टिक एनिमल्स के तौर पे किया जाता है जिसका बेसिकली यूज़ किया जाता है इनको हस्कीज़ को हंटिंग के लिए या फिर स्लेज़ को पुल करने के लिए चैप्टर नंबर फाइव डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ ग्रीन लैंड हमें बतानी है वेजिटेशन ऑफ ग्रीन लैंड के बारे में आंसर ड्यूरिंग द शॉर्ट समर सीजन दैन द आइस स्मेल्स स्मॉल प्लांट्स लाइक मॉसेज लाइचिन ग्रासिस एंड बुशेज ग्रो ऑन द रॉक्स तो जब शॉर्ट समर सीज़न के टाइम पे क्या होता है जब आइस मेल्ट कर जाती है तो स्मॉल प्लांट्स जैसे कि मॉसेज लाइचिंग ग्रासेज एंड बुश ये सारे ग्रो करते हैं रॉक्स में दीज प्लांट्स प्रोवाइड फॉर फॉर एनिमल्स सम फ्लावर्स ऑल्सो ब्लूम फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो चारे की ये इस्तेमाल होते हैं एनिमल्स के लिए और कुछ फ्लावर्स भी खिलते हैं बहुत ही कम समय के लिए करेंट्स क्रैनबेरीज एंड ब्लूबेरीज ऑल्सो ग्रो इन द कोस्टल एरियाज तो क्रैनबेरीज और ब्लूबेरीज भी ग्रो करते हैं कोस्टल एरियाज में देर आर हार्डली एनी ट्रीज यहाँ पे हार्डली यानि कि बहुत ही कम ट्रीज होते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द मेन ऑक्युपेशन ऑफ पीपल ऑफ ग्रीन लैंड क्या ऑक्यूपेशन मेन ऑक्यूपेशन है ग्रीन लैंड के लोगों के लिए आंसर फिशिंग एंड हांटिंग आर द मेन ऑक्युपेशन ऑफ पीपल ऑफ ग्रीन लैंड तो फिशिंग और हंटिंग मेन ऑक्यूपेशन होती हैं ग्रीन लैंड के लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर फॉलोइंग कायक एग्लू एस्कीमोज एंड स्लैज तो ये सारी चीज़ें क्या है हम शुरुआत करते हैं कायक से अ कायक अ स्मॉल नैरो बोट मेड ऑफ वुड एंड सील स्किन इज यूज फॉर फिशिंग तो कायक एक स्मॉल नैरो बोट होती है जो कि बनी हुई होती है वुड से और सील के स्किन से जिसका इस्तेमाल किया जाता है फिशिंग के लिए इग्लू द इनय लिविंग इन द एक्सट्रीम नॉर्थ लिव इन स्नो हाउसेज नोन एज इग्लूज तो जो इन होते हैं जो एक्सट्रीम नॉर्थ में रहते हैं वो रहते हैं एक्चुअली स्नो हाउसेज में जिन्हें बोला जाता है इग्लूज। एस्कीमोज द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीन लैंड आर नोन एज जो ग्रीन लैंड के लोग होते हैं वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है एसकीमोज स्लेज Sledges drawn by huskies or reindeers are common mode of transport for travelling from one place to another. तो so sledges एक common mode of transport है जिसके द्वारा लोग एक जगह से दूसरी जगह travel करते हैं और जिसको uh, pull किया जाता है जिसे pull किया जाता है huskies या फिर reindeers के द्वारा Now we shall discuss the exercise portion that is filling the blanks. Greenland is located between Greenland located है बिटवीन आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल और टेम्परेचर ऑफ़ ग्रीन लैंड जनरली बिलो होती हैं माइनस ट्वेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस और जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं ग्रीन लैंड के उन्हें क्या बोला जाता है एस्किमोस या फिर इन्यूट्स द डैश बे सेपरेट्स सेपरेट द ग्रीन लैंड फ्राम तो बैफिन बे हैं वो सेपरेट करती है यानी कि अलग करती है ग्रीन लैंड को फ्राम कैनेडा द डैशन इज द स्पेशल फेनोमिन ग्रीन लैंड तो दिड नाइट सन आंसर इज मिड नाइट सन ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल सिचुएशन होती है ग्रीन लैंड की नाउ मूविंग टू चैप्टर से हॉट डेजर्ट स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन वेयर इज सऊदी अरेबिया लोकेटेड सऊदी अरेबिया कहाँ पर लोकेटेड है आंसर सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट इट लाइज इन द अरेबियन पेनिसुला With पर्शियन गल्फ इन द ईस्ट एंड द रेड सी इन द वेस्ट तो सऊदी अरेबिया बेसिकली लोकेटेड है अरेबियन डेजर्ट में और ये लाइक करती है अरेबियन पेनंसुला में जहाँ पे पर्शियन गल्फ़ होती है ईस्ट की तरफ और रेड सी इन द वेस्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर टू नेम टू नेबरिंग कंट्रीज टू द साउथ ऑफ सऊदी अरेबिया तो दो नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पड़ोसी देशों के बारे में बतानी है जो कि साउथ और सऊदी अरेबिया में है आंसर यमिन एंड ओमान क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया तो हमें डिस्क्राइब करनी है क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया आंसर सऊदी अरेबिया हैज़ एन एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट तो सऊदी अरेबिया में बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होती है विथ लिटल और नो रेनफॉल कम या फिर ना के बराबर रेनफॉल होती है द टेम्परेचर राइज शार्पली ड्यूरिंग द डे बिकॉज द सन गेट्स गेट्स हीटेड ड्यू टू द हॉट सन तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ uh, करती है डे uh, के टाइम यानी कि दिन के टाइम क्योंकि सैंड बहुत ज़्यादा हीटेड अप हो जाती है हॉट सन की वजह से ड्यूरिंग द नाइट द सन कूल्स डाउन वेरी फास्ट एंड देर इज़ अ शार्प ड्रॉप इन द नाइट टेम्परेचर तो रात के टाइम पे क्या होता है सैन कूल डाउन हो जाती है बहुत ही जल्दी और इसी के वजह से एक नाइट के टेम्परेचर में भी काफ़ी ज़्यादा फॉल uh, देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर फोर नेम थ्री प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट तो तीन आ, प्लांट्स के बारे में बतानी है जो ग्रो करते हैं डेजर्ट में आंसर कैक्टी थॉर्नी बुशेस और श्रब्स ये प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं डेजर्ट में क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डू कैक्टी एंड थॉर्नी बुशेस सर्वाइव इन द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ साउदी अरेबिया तो कैसे कैक्टी और थॉर्नी बुशेस करते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ साउदी अरेबिया में आंसर

फ्लैशी स्टेम्स भी होती हैं जो स्टोर करती हैं वाटर और इनकी लीव्स भी रिड्यूस हो जाते हैं थॉर्न्स में जो कि प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर क्वेश्चन नंबर हाउ हैज़ द डिस्कवरी ऑफ ऑयल चेंज द लाइफ इन सऊदी अरेबिया कैसे जो डिस्कवरी ऑफ ऑयल हुई थी वो कैसे जो लाइफ होती है सऊदी अरेबिया में वो कैसे बदल के रख दिया आंसर एक्सपोर्ट ऑफ मेड द कंट्री रिच विद ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज तो जो एक्सपोर्ट होती है ऑयल की वो उसकी वजह से कंट्री काफ़ी ज़्यादा रिच बनी है और साथ ही साथ काफ़ी सारी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं यानी कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ कंट्री रिच uh, बनी है देर आर मॉडर्न सिटीज़ विद स्काई स्क्रैपर्स गुड रोड्स स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स तो सऊदी uh, अरेबिया में मॉडर्न सिटीज़ हैं जहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स जो ऊँची बिल्डिंग्स होती हैं वो हैं अच्छे रोड्स हैं स्कूल्स हैं हॉस्पिटल्स हैं और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों की वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है ना कंटिन्यूइंग विद द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ चैप्टर सेवन स्टार्टिंग विद नेम द फॉलोइंग सबसे पहला टू हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दैट इज सहारा एंड था डेजर्ट्स सहारा डेजर्ट्स एंड था डेजर्ट ऑफ द दीज आर द टू डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू फेमस प्लेसेज ऑफ़ पिलग्रमेज इन सऊदी अरेबिया दो फेमस जगह जो धार्मिक स्थल हैं एक्चुअली सऊदी अरेबिया में दैट इज़ मक्का एंड मदीना थर्ड अ स्पेशल ड्रिंक ऑफ़ सऊदी अरेबिया तो एक बहुत ही खास ड्रिंक होती है सऊदी अरेबिया के दैट इज़ अरेबिक टी अ गाउन वोन बाई अरब वुमेन गाउन जो पहना जाता है अरब वुमेन के द्वारा दैट इज़ अबाया ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ अरब वुमेन अरब मैन ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है अरब मैन की दैट इज़ त्वाब एंड गूत्रा तो ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ अरब मैन की क्या है दैट इज़ त्वाब एंड गूत्रा हेड गेयर ऑफ अरब मैन तो जो हेड गेयर होती है अरब मैन की वो क्या है गूत्र थ्री एनिमल्स फाउंड इन सऊदी अरेबिया जो थ्री एनिमल्स है जो पाए जाते हैं सऊदी अरेबिया में दैट इज़ कैमल

मूविंग टू चैप्टर एट दैट इज़ प्रेरीज द ट्री लेस ग्रास लैंडस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर वन इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर मोस्ट ऑफ ग्रास लैंड्स लोकेटेड तो कौन से रीजन में वर्ल्ड कौन से रीजन ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादातर ग्रास लैंड्स लोकेटेड हैं आंसर है नॉर्थ अमेरिका क्वेश्चन नंबर टू नेम एनी थ्री स्टेट्स ऑफ यू एस ए विच आर इन ट्रेरीज रीजन तो हमें थ्री स्टेट्स ऑफ यू एस ए बतानी है जो कि लोकेटेड है प्रेरीज रीजन में द आंसर इज नॉर्थ डकोटा साउथ डकोटा एंड मॉन्टेना मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री वाइट प्रेरीज आर कॉल्ड द वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड तो प्रेरीज को क्यों बोला जाता है वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड द आंसर इज देर आर लार्ज वीट फार्म्स इन दिस रीजन यहाँ पे काफ़ी लार्ज वीट फार्म्स हैं इस रीजन में बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लार्ज वीट प्रोडक्शन और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होती हैं यहाँ पे द प्रेरीज आर कॉल्ड दीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड तो इसी वजह से प्रेरीज को बोला जाता है वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर वट इज अ रैंच आंसर अ अ इज लैंड लाइफ स्टॉक सच एज शीप कैटल गोद्स आर रेस्ड तो एक रैंच एक लैंड होती है जहाँ पे जहाँ पे एनिमल्स जैसे कि शीप गोद्स एक्सेट्रा को का पालन पोषण किया जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव वाई द एनिमल रियरिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज नेम फाइव एनिमल्स फाउंड इन द प्रेरीज तो क्यों एनिमल का जो पालन पोषण है वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज में ही और साथ के साथ हमें बतानी है नेम फाइव एनिमल्स जो कि पाए जाते हैं प्रेरीज में तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें क्या बताना है हमें ये बताना है कि जो एनिमल की जो पालन पोषण है उसकी मनाही क्यों है वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज में और साथ के साथ हमें फाइव एनिमल्स जो पाए जाते हैं प्रेरीज में उनके बारे में भी बतानी है द अब हम बढ़ते हैं आगे आंसर की तरफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज आर हिली एंड लेस फर्टाइल दैट इज वाई एनिमल रियरिंग इज रिस्ट्रिक्टेड इन दीज पार्ट्स तो जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ प्रेरीज है वो हिली एरियाज़ हैं और बहुत ही कम उपजाऊ हैं तो इसी के वजह से एनिमल रियरिंग यानी कि जो एनिमल के जो पालन पोषण है उसकी मनाही है इन एरियाज में और जो फाइव एनिमल्स जो पाए जाते हैं प्रीरीज में दैट इज़ डॉग्स फॉक्सिस एल्स बॉब कैट्स एंड रेड फॉक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट आर सिलियोस सिलियोस क्या है फूड ग्रेन्स आर स्टोर विद मशीन्स इन बिग स्टोरेज टावर्स आर कॉल्ड सिलियर्स तो जो फूड ग्रेन्स होती है उनको स्टोर किया जाता है मशीन्स uh, की मदद से एक बड़े से स्टोरेज टावर्स में जिन्हें कहा जाता है सिलियर्स ना मूविंग टू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर एट दैट इज नेम द फॉलोइंग फर्स्ट टू रिवर्स इन ट्रेडिज द आंसर इज मिसिपी एंड मिसोरी तो दो रिवर्स जो प्रेरीज में है दैट इज मिसिसिपी एंड मिसोरी सेकेंड टेम्परेड ग्रास लैंड इन अफ्रीका टेम्परेड ग्रास लैंड जो कि अफ्रीका में है दैट इज वेल्ड मेजर क्रॉप्स इन प्रेरीज जो मेजर क्रॉप्स होते हैं प्रेरीज में दैट इज वीट एंड बाले मेजर एनिमल्स जो कि पाए जाते हैं प्रेरीज में दैट इज बाइसन एंड एंटीलोप्स लार्ज कमर्शियल फार्म्स वे कैटल आर ब्रेड तो लार्ज कमर्शियल फार्म्स जहाँ पे कैटल्स का पालन पोषण होता है द आंसर इज रैंस थ्री सिटीज़ लोकेटेड इन प्रीरीज रीजन थ्री सिटीज़ जो कि लोकेटेड हैं प्रीरीज रीजन में द आंसर इज शिकागो टेक्सिस एंड डालाज मूविंग टू द मैच द फॉलोइंग सेगमेंट तो हमें मैच करना है ग्रास लैंड्स को उनकी कॉन्टिनेंट्स के साथ सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया द आंसर इज डाउन्स एशिया दैट इज़ स्टेप्स अफ्रीका

बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लार्ज वीट प्रोडक्शन द रीजन इज कॉल्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा वीट की प्रोडक्शन होती है तो इसी की वजह से रीजन को क्या बोला जाता है वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड यूज मशीन्स आर कॉल्ड जो यूज मशीन्स होती है उनको क्या बोला जाता है कम्बाइन हार्वेस्टर्स जिनका इस्तेमाल किस वजह से किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए तो यूज मशीन्स कॉल्ड डैश आर यूज़ फॉर एग्रीकल्चर तो बड़े से मशीन जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है उसे क्या बोला जाता है कम्बाइंड हार्वेस्टर्स तो बड़े से मशीन जिनका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है उन्हें कहा जाता है कम्बाइंड हार्वेस्टर्स डैश इज़ अ टावर और पिट ऑन अ फार्म यूज़ टू स्टोर ग्रीन्स तो सिलियर्स एक टावर होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन्स को स्टोर करने के लिए So, students, this is the end for the revision video. Please go through this video and for the explanation videos, you can refer to the channel Social Science Unlocked. All the best, students, for your exams. Thank you.